नमस्कार, मैं हूँ अदिति शुक्ला और मेरे साथ हैं मिसेज मेहरुन्निसा परवेज। शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ बात करने के लिए हमारे कॉलेज में आए। आप लोगों से ही बात करना चाहिए और आपने MITS में आके हाँ। मेरे साथ हैं संजीवनी सिंह। हम आज इस बारे में बात करना चाहते हैं कि मतलब मैम की कई ऐसे काम रहे हैं, ऐसी कई किताबें रही हैं जिन्होंने नारियों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में, महिलाओं के संघर्ष के बारे में काफ़ी कुछ बताया है, काफ़ी कुछ लिखा है और उनकी स्टोरीज़ के द्वारा हमने ये बहुत समझा है। और इसी बारे में मैम हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मैम आपका 1963 में जो आपकी पहली स्टोरी हाँ जी जी तो मैम उस समय ऐसी क्या चीजें थी जिनसे आप मोटिवेट हुए थे और आज 2022 में ऐसी क्या चीजें हैं जिन्हें आप देख के आपकी दुनिया में, आपकी जिंदगी में आप समझ के उनके बारे में आप देखते हैं? नहीं, जब मैंने जल्दी हिंदी लिखा था तो वो आदिवासी लोगों को लेके मैंने लिखा था और मैंने यही देखा कि लड़की को वो लोग एक जैसे जंगली हिरनी होती है उस तरीके से ही लेते हैं। तो उसके ऊपर से मैंने ये लिखा, मान लीजिए बाहर का कोई लड़का आया और अगर उसने थोड़ा सा उससे वो उसका प्रेम हो गया, वो चला गया, तो आप उसको क्यों टॉर्चर करते हो? लड़की को उसको समझाओ कि परदेसी था, चला गया परदेश में, अगर नहीं जाता तो सच्चा प्रेमी था ना, चला गया तो झूठा निकला, भूल जाओ उसको। क्यों नहीं भूल पाते हो? भूलो बेटा, भूलने की आदत करोगे तभी जिंदगी के दुख सुख आप सह सकोगे। आज भी मैंने इतना लिखा है लेकिन आज भी मेरे मन में लगता है कि बहुत सी बातें मैंने अभी नहीं लिखी है, बहुत से रहस्य की बातें हैं, तो बहुत सी तो उसको लगता है कि लिखना चाहिए। आपने हिंदुस्तान पाकिस्तान लिखी है? किसने कहा था आपको बनाने के लिए? और अगर बनाया है तो आधे लोग उधर है, आधे लोग इधर है, लेकिन वो वहाँ रोता है तो आप समझ में क्यों नहीं आता है? मैं अपनी माँ की समझो बहुत छोटे पल से एक सीक्रेट में रही हूँ। मेरी माँ को हिंदी नहीं आती थी, उर्दू लिखी पढ़ी हुई थी और मेरे जो मामा थे उनको भी हिंदी तो पढ़ लेते थे लेकिन उनको उर्दू नहीं आती थी। अंग्रेजी के पढ़े हुए ब्रिटिश कॉलेज नागपुर के पढ़े थे लेकिन जब पार्टीशन पर चले गए, उनके जब वाइफ यहाँ आती है तो बोलती है ईद के दिन बेटा तुम्हारे मामू कमरा बंद करके बाथरूम होते हैं तुम लोग को याद करके, और यहाँ हमारी माँ रोती है, हमसे चिट्ठी लिखवाती है कि ऐसा लिखो ऐसा लिखो और हम लिखते हैं उसके दुख दर्द को। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये सब किन खुराफातियों ने किया, आधे के बंटवारा उधर की आधे का इधर बंटवारा। आप कन्यादान को लीजिए, कन्यादान क्यों करते हो आप? आपको किसने अधिकार दिया था? आप अपने माँ बाप से पूछिए क्यों करेंगे? हम लड़के की तरह पढ़ेंगे और लड़के की तरह हम आपको पालेंगे, हम लड़की नहीं हैं। और लड़की तो क्यों कन्यादान करते हैं? तलाक का मामला है, आप घर के कोने में कहीं पर भी तीन बार कह दो तलाक हो जाएगा? ये कितनी गलत बातें हैं। आप शादी तय करते हो लड़की से कभी क्यों नहीं पूछते हो कि तुमको ये लड़का पसंद है?
बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आप कभी नहीं कहते हो लड़की को कि घर आके अपनी नहीं आती है, क्यों नहीं आती? तुमने तो उसको कन्यादान दान कर दिया ना उसको। तो ये सारी चीजें हैं, उनको अब आप लोग उठाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। हम लोग के मन में उठती थी ये बातें, लेकिन हम लोग प्रश्न नहीं कर पाते थे, हम छुपा के रख लेते थे कि ठीक है। यानी 15 साल की लड़की है, 25 साल के बड़े लड़के से शादी कर देना, माँ बाप सोचिए तो ना नहीं बोल सकते। जैसे आपने अभी बात करी जिन विषयों के बारे में, हाँ, आपने ऐसे कई विषयों के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां, आपकी नॉवेल, हाँ, इन सब के द्वारा ये बातें लोगों तक पहुंचाने के आपने जो प्रयास किए, वो कहानियां हम पढ़ के बड़े हुए हैं, हमारे हाँ, बड़े पढ़ते बड़े हुए। हाँ जी। तो मैम, इनमें से मैं एक सवाल आपसे ऐसा हाँ, पूछना चाहूंगी, मैम आपकी सबसे पसंदीदा कहानी कौन सी है? बेटा, मेरी सबसे पसंदीदा कहानी तो वैसे सही राइटर को तो अपनी सब कहानियाँ अच्छी लगती हैं, नावल अच्छे लगते हैं, लेकिन बेटा मेरी कहानी है लाल गुलाब। कहानी पढ़िएगा लाल गुलाब, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आप जरूर पढ़िए लाल गुलाब। मेरा जवान बेटा, उसकी डेथ हो गई, बहुत बीमार था, डेथ हो गई। और जब मैं पहली बार कब्रिस्तान गई, कब्रिस्तान हमारे यहाँ मुस्लिम जाते नहीं लड़कियाँ और अपने, मैं गई, जब मैं गई तो मैंने देखा उसकी कब्र पे लाल गुलाब रखा हुआ है। अब मैं सोचती रही कि लाल गुलाब किसने ला के रखा होगा, और फिर वहाँ से वो कहानी शुरू होती है कि जब इसकी मृत्यु हुई थी, एक लड़की मेरी ही तरह फूट फूट के रोती थी, लेकिन मैंने उससे पूछा नहीं, बेटा क्यों रोते हो, क्यों इतना फूट फूट के रो रहे हो? फिर मैंने खोदना चालू किया, तब मुझे लगा कि यही है मेरे बेटे की प्रेम का। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन इसको तो इतना दर्द भिगो के चला गया। कभी मिले तो लाल गुलाब आप पढ़िएगा, मुझे बहुत पसंद है लाल गुलाब। देखो बेटा, एक मेरी एक कहानी है, ओस में डूबा गुलाब, बारिश हो रही है उसके साथ ओले गिर रहे हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, मैंने ढेर सारे ओले गिने, मटकों में भर लिए, बाल्टियों में भर लिए। मेरी माँ पड़ोस में कहीं गई थी बैठने के लिए, पड़ोस में दोपहर में चली जाती थी कहीं, और मैं सोच रही थी कि अम्मा आएंगी तो मैं ओला दिखाऊंगी, और मुझे यकीन है कि अम्मा ने ओले नहीं देखे, मुझे यकीन था। जब अम्मा आई तो मैं उनका आंचल पकड़ कर हाथ पकड़ के ले गई, और मैंने कहा अम्मा देखो मैंने ओले इकट्ठे किए, और एक मटका खोला देखा तो उसमें पानी, एक बाल्टी खोली तो उसमें देखा तो पानी, हर एक बर्तन देखा तो उसमें पानी। मैंने कहा मेरे ओले गए कहाँ, ये पानी पानी कैसे है? तो मैंने फिर आके अम्मा से कहा अम्मा मैंने बहुत सारे ओले, और मैं इतनी भीग गई थी रात को, मुझे बहुत मेरे तेज बुखार भी आया। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा ओले पानी कैसे बन गए? उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बेटा उन्हें पानी नहीं बने, उनको बनना ही था पानी बन। इनका कैसे कहने पानी कैसे बना, ये तुम अपनी जिंदगी से सीखोगी। और फिर मैं जिंदगी में रही, और फिर जब मेरे बेटे की डेथ हुई और मैं खड़े होकर रो रही थी, उस दिन मुझे अम्मा का जवाब याद आ रहा था, तो जो उन्होंने कहा था कि ये पानी कैसे बनते हैं और अब क्यों होती है। आज मेरा बेटा नहीं है,
मैंने कितनी उम्मीदें जोड़ी होंगी, लेकिन आज वो नहीं है तो मैं रो रही हूँ। तो मेरे ओले पानी कैसे बने ये मेरी सोचने की बात है। मैंने तो इतने बरसते पानी में और बरसते ओले में चपरासी मुझे दौड़ दौड़ के पकड़ रहे, मैं किसी की पकड़ में नहीं आ रही। तो मैंने ढेर सारे ओले गाला के मटके वटके सब भर दिए, पानी कैसे बन गए। लेकिन इस सवाल का जवाब अम्मा ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बेटा तुम अपनी उम्र में ही समझ पाओगे कि ओले पानी कैसे बनते हैं। और तब मुझे याद आया कि इतने बरस लग गए मुझे समझ में। ऐसा होता है बेटा, और छोटी छोटी बातें हमें बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमें उस पर बहुत सोचना चाहिए कि उन्होंने क्यों कहा और हम समझ नहीं पाते हैं और अपने इस धुन में ही रहते हैं, उसको समझना चाहिए। मैम जैसे कि आपने बताया एक स्त्री की भावना है, उसके दिल का जो दुख होता है, जो दर्द, जो आंसू होते हैं, उनको आपने समझा, उनके बारे में आपने लिखा। आज हम देखते हैं, न्यूज में पढ़ते हैं, आर्टिकल्स में पढ़ते हैं, लोग वीडियोज में देखते हैं, हम कई लोगों को हमने देखा है, पढ़ा है, सुनते ही बोलते हुए कि वुमेन आर वेरी सेंसिटिव, मतलब स्त्री इतनी ज़्यादा सेंसिटिव क्यों है, क्यों इतना ये कोई भी चीज़ को दिल पे ले लेते हैं, आप प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो सकते। तो मैम उसके बारे में आपका क्या विचार है कि ये जो दुनिया आज स्त्री से प्रैक्टिकल होने की उम्मीद करती है। बेटा वो इतनी नर्म दिल है, इतनी सेंसिटिव है, तभी तो आपके घर निभ गई ना, पराए घर में निभ गई ना, दूसरे के घर में उसके पास तो रास्ता नहीं था, आपने तो कन्यादान कर दिया था। संकोच करती है कि अब जाके क्या अपने दुख बताओ, और यहाँ कुछ ना कुछ तो दुख मिलता ही है, पुरुष उसको दुख तो देता ही है। मैंने आप देखिए कि मैंने देखा है गरीब से गरीब औरत भी अपने घर में सुखी नहीं है, और अमीर से अमीर राज परिवारों की औरतें भी घर में सुखी नहीं। क्यों क्यों है ऐसा, सवाल का जवाब चाहिए। हम समाज से चाहते हैं कि हमें इस सवालों का जवाब दे, क्यों उन्होंने फालतू बंदिशें लगा रखी, क्यों हमारे पीछे उल्टे सीधे कानून जोड़ रखे हैं, इनका सवाल जो हम जवाब चाहते हैं। और जवाब मांगने वाली आप लोग की उम्र की लड़कियाँ होंगी, आप लोग को जवाब मांगना है, कोई वकील नहीं मांगेगा बेटा, हाँ आपको ही मांगना है कि इन सवालों का जवाब। तो कुछ ऐसे सवाल हैं और हमारे पास जो नारियों के ही पक्ष से हम आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ, और जिनके बारे में हम आपके विचार जानना चाहते हैं। हाँ, जरूर पूछिए। जी जी, जब आज हम वैदिक समाज की बात करते हैं तो हमें पता है कि नारियों का दर्जा उस समय कितना ऊंचा हुआ करता था। हमारे हिंदू में गायत्री मंत्र है जो सबसे बड़ा श्लोक माना जाता है, वो देवी सावित्री के ऊपर लिखा गया था। तो उनका दर्जा जब इतना ऊंचा हुआ करता था तो इतिहास में ऐसी क्या घटनाएं घटी या ऐसा क्या हुआ कि आज समाज ने या औरतों ने खुद को अपने घर तक, अपने चूल्हों तक ही सीमित कर लिया। देखो बेटा, ऐसा है कि बहुत कुछ सहना पड़ता है धर्म को लेके भी, धर्म चाहे मुस्लिम धर्म हो चाहे हिंदू का धर्म हो, हमें सिखाया जाता है कि इसके विरोध में नहीं बोलना। लेकिन हम अगर अकेले में बैठे रहे तो हम सोचे ऐसा क्यों हुआ, हमको तो करना चाहिए ना। आपने हमारे सामने लक्ष्मण रेखा क्यों खींची, किसको पार नहीं करना। और अगर मान लीजिए धोखे से हमें कोई गुंडा पकड़ के ले गया और फिर कैसे भी करके वो छूट के आई, तो आपने उसके चरित्र पे यकीन क्यों नहीं किया। आपने उसके बच्चों पे ये क्यों नहीं किया कि हाँ ये मेरे ही बच्चे हैं। इन सब सवालों के जवाब हमको चाहिए।
ये सारी बातें चाहे हिंदू धर्म की हो, चाहे मुस्लिम धर्म की हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म की हो, हम चाहते हैं कि सुधारिए इनको, सबको सुधारिए। अपनी गलती पहचानिए, क्यों नहीं पहचानोगे आप? आपको क्यों नहीं सजा मिलना चाहिए? आप कहाँ के तोप हो? आपने उसको तो सजा दे दी, उस महिला को, लेकिन हम आपको अब सजा देना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान से आज हमारी युवा पीढ़ी को समझना चाहिए, लड़कियों को, कि हम जहाँ जा रहे हैं वो आदमी हमारे से वाकई प्यार करता है, या हमारा पत्नी मानता है, या हमें सुरक्षा देगा, या फिर हमें सिर्फ शक की निगाहों से देखेगा। तो इन बातों को हमें समझना होगा और इन सवालों के जवाब समाज से चाहते हैं। जैसे कि मैम आपने अभी बात करी कि यदि किसी स्त्री के चरित्र पर सवाल आता है तो उसका फिर समाज में क्या दर्जा रह जाता है, और समाज में व्यक्ति उसे किस तरह से रखते हैं, उसके साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं? तो मैम उसी के से रिलेट करके हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे। जैसे मी टू मूवमेंट जो आया था बीच में, उसके द्वारा कई लोगों ने, कई स्त्रियों ने अपनी आवाज़ें उठाई, कई लोगों ने बताया, और उन्हें वो बोलने का मौका मिला जो वो पहले नहीं बोलता है, नहीं बोल पाती थी। तो मैम ये उन्होंने बोला तो सही, और एक की वजह से 10 आ गए। बिल्कुल, ये हमारे समाज की विडंबना है कि 10 थी आगे आने के लिए। हाँ। परंतु एक की वजह से जो 10 आगे आए उनके ऊपर ये सवाल उठाया गया कि यदि आप सच में ऐसा कह रही हैं, जो आप कह रही हैं वो यदि सच है, तो आपने पहले क्यों नहीं बोला? हाँ। तो मैम हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि मैम ऐसे सवालों से जो समाज उन स्त्रियों के ऊपर लगा रहे हैं, लांछन की तरह जो लगा रहे हैं वो सवाल, मैम आपको क्या लगता है कि और भी जो लोग, जो स्त्रियां ऐसा साहस जुटा के बोलने की कोशिश कर रही होंगी, क्या वो ठिठक नहीं जाएंगी? देखो बेटा, ऐसा है कि कोई भी स्त्री ना ये लांछन सुन तो लेती है, लेकिन फाइट करने की उसको ताकत नहीं रहती है। इसलिए कि उसको आपने 2 गज जमीन नहीं दी, उसके सर पे 2 गज आसमान नहीं दिया, उसको इतनी लड़खड़ाती जमीन दी कि वो खड़े नहीं हो पाती। आपको अपने पैर मजबूती से जमीन पे गाड़ लेने चाहिए। मैंने अपनी बेटी से सिर्फ, मेरी बेटी जब पढ़ रही थी, मैंने उससे एक दिन कहा, बेटा हम लोगों को वो रास्ते नहीं मिले, लेकिन तुम नए युग की लड़की हो, तुम्हारे पास 2 गज जमीन है, उस जमीन को पहचानो, और सर पे 2 गज आसमान तुम्हारे होना चाहिए। और कब होगा? जब तुम पढ़ के सर्विस करोगी, अपने पैर पे खड़ी होगी, तब तुम्हें वो आदमी शक से नहीं देखेगा। क्या शक से औरत आदमी को नहीं देख सकती? हमने ये अधिकार क्यों दे रखा है पुरुष को कि आप ही इसको शक से देखें और इसकी गलतियों को सुधारें? क्यों? आप कौन होते हैं? लड़की को इतनी सक्षम बना लीजिए कि वो अपने पैर पर खड़ी रहे। मेरी बेटी ऐसे जी, तो अब वो किसी से नहीं करती, बोलती मम्मी आपने सही कहा। मैंने कहा बेटा, हमने अपनी माँ को देखा, हमने अपनी नानी को देखा, जिंदगी गुजारो तुम, क्यों तुम लोग क्यों गुजारो? अपने पैर पर खड़े रहो और जवाब दो। वो तुम पे शक करता है, क्यों नहीं? तुम पुरुष पे शक नहीं कर सकते, दोनों बराबर थे। साहस नहीं, लेकिन इनको समझना तो बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी को। आप रोज पेपर में पढ़ते हो गए, फांसी लगा लिया, अपने को जला लीजिए, क्यों उसको जीने का हक नहीं था? इस बात को समझना आप लोगों को बहुत जरूरी है।
और इसको समाज से आपको पूछना भी बहुत जरूरी है। आपके जो भी आज आपने हमसे हमारे थ्रू जो भी प्रश्न किए हैं, हम भी ये कोशिश बराबर रखेंगे कि हम वो प्रश्न कभी ना भूलें, आगे चल के हम प्रश्नों को उठाएं। आपने सवाल हमें दिए हैं हाँ हमारी जनरेशन के लिए जी। इन सवालों के साथ आपके विचारों के साथ आज हम आपके समय के लिए कि आप हमारे साथ आए हमसे बात नहीं नहीं बेटा तो आपसे बातचीत हुई अपनी तो ये तो अच्छा ही है। जैसे हम छोटे थे तो अपने नानी दादी सबके पास बैठते थे बात करते थे पूछते थे उनसे तो ये वैसे ही आज जॉइंट फैमिली है तो हम किससे पूछने जाएंगे तो अपने आप से ही पूछो बेटा अपना ही रास्ता निकालो। बड़ी ठीक है बड़े मार्ग नहीं मिल रहे कोई बात नहीं पगडंडी से निकल जाओ रास्ते बहुत हैं पगडंडी को बचाओ।